Hello students. Good morning. Standard 4th subject EVS. Chapter number 23. Home and Abroad. Question number 1. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the provided against each question. Number 1. Where does Arvind Kaka live? Arvind Kaka kaha par rehte? Think. इन ब्रिटन इन दुबई इन अबू धाबी इन इराक सो राइट आंसर इज़ इन अबू धाबी सो वी हैव टू राइट हियर सी नंबर टू इन वॉट डिड अरविंद काका ट्रावेल फ्राम अबू धाबी टू इंडिया अरविंद काका अबू धाबी से इंडिया किसके अंदर ट्रैवल करके आए थे किस में बैठ कर उन्होंने मुसाफिर की थी इन ए कार इन एन एयरप्लेन in a bus in a ship so right answer is in an airplane so we have to write here b number 3 what is the place from where airplanes take off and on which airplanes land non as to so, jis jagah se airplane take off hota hai matlab ki ये उड़ता है और फिर land होता है मतलब कि वापस आता है तो उस जगह को क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन बस स्टेशन ए सी पोर्ट और डी एन एरोड्रोम और एयरपोर्ट सो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को बी नहीं लिखना है आप लोगों को यहाँ पर लिखना है डी आप लोगों का राइट आंसर है वो क्या है डी आंसर है एन एरोड्रोम और एयरपोर्ट स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्शन करना है अच्छे से ध्यान रखो आप लोगों को क्या लिखना है आप लोगों को यहाँ पर लिखना है डी क्योंकि जहाँ पर एयरप्लेन्स होते हैं वो टेक ऑफ और एयरप्लेन्स जहाँ से लैंड होते हैं उस जगह को एन एरोड्रोम या फिर एयरपोर्ट कहते हैं सो so आप लोगों को आंसर में क्या लिखना है डी लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हाउ आर द लैंडफॉम्स एंड दैट सराउंड धाबी एंड इट्स सराउंडिंग कंट्रीज़ तो अबू धाबी के आजू बाजू का और उसके कंट्री के आजू बाजू का जो लैंडफॉर्म है वो कैसा है सो लश ग्रीन फॉरेस्ट लैंड है डेजर्ट लैंड है माउंटेनियस रीजन है या फ्लैट फ्लैट लैंड्स है सो आंसर इज़ बी डेजर्ट लैंड सो वी हैव टू राइट हीयर बी नंबर फाइव विच कॉमोडिटी नेसेसरी फॉर लाइफ इज केयर इन धाबी सो कौन सी जो जरूरी आवश्यकता की जो जरूरी चीज़ होती है वो वहाँ पर कम है पेट्रोल डीजल वाटर और कैरोसिन सो आंसर इज सी वाटर वहाँ पर किसकी कमी है पानी की कमी है नंबर सिक्स विच ट्रीज इज सीन इन डेजर्ट रीजन ऑफ अबू धाबी अबू धाबी में कौन से आप लोगों को ट्रीज़ देखने मिलते हैं तो मैंगो ट्रीज बबुल ट्रीज़ अशोका ट्रीज़ और डेट पाम्स तो वहाँ पर डेट पाम्स से ट्रीज़ बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं सो वी हैव टू राइट हीयर डी नेक्स्ट नंबर सेवन हाउ मैनी आर्स डिड इट टेक टू रीच इंडिया फ्रॉम अबू धाबी बाय एयरप्लेन मतलब कि प्लेन में बैठकर कर अबू धाबी से इंडिया पहुँचने में कितना वक्त लगता है ट्वेंटी आवर्स टू आवर्स टेन आवर्स और फाइव आवर्स सो आंसर इज़ बी टू आर्स यहाँ पर ए नहीं आएगा बी आएगा टू आर्स दो घंटे लगते हैं हमने लेसन जब भी समझा तो उसमें हमने कितने घंटे देखे थे तो टू आर्स देखा था क्वेश्चन नंबर एट विच इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ अबू धाबी एंड अदर अरब कंट्रीज उर्दू हिंदी अरेबिक और इंग्लिश सो कौन सी मेन लैंग्वेज है अबू धाबी की तो आंसर इज सी अरेबिक सो वी हैव टू राइट हियर सी हम लोगों को यहाँ पर लिखना है सी नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फर्स्ट डैश इज ऑप्टेन इन लार्ज माउंटेन्स एज अ मिनरल फ्रॉम द डेजर्ट लैंड ऑफ धाबी तो क्या मिलता है ऑयल ओ आई एल ऑयल सबसे ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर कौन सा मिनरल मिलता है तो ऑयल मिलता है नंबर टू फील एंड हर फादर वेंट टू द डैश टू पिकअप अरविंद काका अरविंद काका को लेने के लिए झील और उसके जो पिताजी है वो कहाँ पर गए थे एरोड्रोम। ए आर ओ डी आर ओ एम ई एरोड्रोम मतलब एयरपोर्ट नंबर थ्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ अबू धाबी इज ए डैश डेजर्ट सबसे बड़ा सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा है अबू धाबी में डेजर्ट का जो भाग है वो सबसे ज्यादा है डी ई एस सी आर टी डेजर्ट नंबर फोर द करेंसी ऑफ अबू धाबी इज डैश तो अबू धाबी की जो करेंसी है वो कौन सी है धीरम डी आई आर एच ए एम धीरम नंबर फाइव टॉल माउंट्स ऑफ सैंड आर नॉन एस डैश सेंड ड्यून्स तो जो बड़े बड़े सैंड के माउंट्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है सेंड्यूज कहा जाता है एस ए एंडी सैंड डी यू एन एस ड्यून्स नंबर सिक्स गीता का की सौ थिक ग्रीनरी एंड एक्सपीरियंस कूल वाटर इन डैश गीता का की जो थिक ग्रीनरी और उनका जो कूल cool वेदर का जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ पर वो महसूस कर रहे थे तो गुजरात जी यू जे ए आर ए टी गुजरात नंबर सेवन डैश इज़ चीपर देन वाटर इन अबू धाबी अबू धाबी में पानी से सस्ता क्या है आंसर इज पेट्रोल पी ई टी आर ओ एल पेट्रोल नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू एंड अ क्रॉस इन फ्रंट ऑफ दोज दैट आर फॉल्स नंबर वन अबू धाबी इज सिचुएटेड टू ईस्ट ऑफ इंडिया राइट और रॉन्ग अबू धाबी इंडिया के ईस्ट में है राइट right है या रोंग है सो रॉन्ग नंबर टू देर इज डेजर्ट ऑल अराउंड अबू धाबी येस राइट नंबर थ्री अरविंद काका नेटिव प्लेस वॉज अबू धाबी अरविंद काका का जो नेटिव प्लेस है उनका जो जन्म स्थल है वो कौन सा है अबू धाबी है गलत नंबर फोर द डेट पाम इज नॉन एज द कल्प वृक्ष ऑफ द डेजर्ट तो जो डेट पाम का जो ट्री है उसे डेजर्ट का कल्प वृक्ष कहा जाता है सो आंसर इज राइट नंबर फाइव पेट्रोल इज कॉस्टलियर देन वाटर इन धाबी पानी से ज़्यादा महंगा पेट्रोल है गलत नंबर सिक्स बिल्डिंग्स आर वेरी टॉल एंड हैव ग्लास विंडोज़ इन अबू धाबी जो अबू धाबी के अंदर जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ही ऊंची-ऊंची है और उसके जो विंडोज़ है वो कांच के बनाए गए हैं तो यस राइट अबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमायरेट्स यू ए तो यस राइट तो अबू धाबी कहाँ का कैपिटल है सो यूनाइटेड अरब एमरेट्स मतलब यू ए ई का कैपिटल है तो येस राइट मैच द फॉलोइंग नंबर वन इज़ अबू धाबी सो वॉट इज़ द आंसर फॉर अबू धाबी द आंसर फॉर अबू धाबी इज़ डेजर्ट लैंड सो वी हैव टू राइट हियर ई नंबर टू जूनागढ़ वॉट इज द आंसर फॉर जूनागढ़ रीजन ऑफ माउंटेन्स एंड ग्रीनरी सो वी हैव टू राइट हियर डी नंबर थ्री पेट्रोलियम चीफ मिनरल ऑफ अरब कंट्रीज सो वी हैव टू राइट हीयर ए नंबर फोर डेट पाम्प मेन ट्रीज ऑफ अबूधाबी सो वी हैव टू राइट हियर बी डेट पम्प तो क्या है वो अबू धाबी का मेन ट्री है देन क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है सो so क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रीपेयर अ स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग अबूधाबी विथ द प्लेस वेर यू लिव मीन्स गुजरात विथ रेफरेंस टू द पॉइंट्स मैंशन दे लो यहाँ पर जो भी मैंशन किए गए पॉइंट्स है उसके हिसाब से आप लोगों को एक रिपोर्ट तैयार करना है और अबूधाबी और गुजरात को कम्पेयर कर कर आप लोगों को एक रिपोर्ट तैयार करना है सो फर्स्ट पॉइंट इज द क्लाइमेट एंड द वेदर तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अबू धाबी का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है हॉट एंड ड्राई होता है और गुजरात का हॉट एंड ह्यूमिड होता है नंबर टू क्लोथिंग ऑफ पीपल कैसे कपड़े पहनते हैं वहाँ के लोग तो अबू धाबी में मैन वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स ऑफ वाइट कलर दे कवर द हेड विथ क्लोथ एंड रिंग वुमन वेयर ब्लैक बुरखास जो वहाँ के मैन होते हैं वो लोग व्हाइट कलर के कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं और अपना जो माथा होता है उसे कपड़े से ढकते हैं और उसके ऊपर रिंग लगाते हैं और वहाँ की जो औरतें हैं वो ब्लैक कलर के बुरखास पहनती है देन नेक्स्ट गुजरात में गुजरात के मैं कैसे कपड़े पहनते हैं मैन वेयर शर्ट्स ट्राउज़र कुर्तास लहंगा टी शर्ट जीन्स एक्सेट्रा तो इस तरीके के कपड़े गुजरात में पहनते हैं और वुमेन वेयर साड़ीज एंड ड्रेसिस और जो औरतें हैं वो साड़ी और ड्रेसेस पहनते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी नंबर थ्री पॉइंट नंबर थ्री द ट्रीज एंड प्लांट्स तो अबू धाबी में कौन सा प्लांट देखने मिलता है कौन सा ट्री देखने मिलता है तो डेट पाम्स का ट्री देखने मिलता है और हमारे गुजरात में तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के ट्रीज देखने मिलते हैं नीम अशोका मैंगो पीपल बनियान बबूल कोकोनट पाम्स बीटल नट्स पाम्स रोज एक्सेट्रा तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के जो ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं द नेक्स्ट इज़ फूड आइटम्स वहाँ पर खाने की क्या क्या चीज़ें होती हैं तो डेट्स पराठाज मीट बिरयानी चिकन कबाब एक्सेट्रा और गुजरात में रोटीज़ पूरीज दाल राइस वेजिटेबल्स काठियावाड़ी फ़ूड बटर मिल्क एक्सेट्रा दिस इज़ द फेमस फूड ऑफ़ गुजरात क्वेश्चन नंबर टू राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर नोट देखना है और उसकी वैल्यू लिखनी है सो so ये फाइव रुपीज का नोट तो हमें यहाँ पर लिखना है फाइव रुपीज नेक्स्ट देखो यहाँ पर नोट कितने रुपीज की है येस इट इज टेन रुपीज नोट सो वी हैव टू राइट हीयर टेन रुपीज नेक्स्ट इज ए हंड्रेड रुपीज नोट सो वी हैव टू राइट हीयर हंड्रेड rupees and then next note is a 500 rupees note so we have to write here 500 rupees look at into next page observe the coins match them according to their heads and tails हेड्स और टेल के हिसाब से हमें उन्हें मैच करना है तो यहाँ पर फाइव रुपीज़ का कॉइन हेड्स और टेल के हिसाब से मैच कोई किया गया है तो अभी हम वन रुपीज़ का कॉइन मैच करेंगे उसके हेड्स और टेल के हिसाब से उसके बाद हम टू रुपीज़ का कॉइन मैच करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर हेड्स और टेल्स और देन लास्ट में हम मैच करेंगे फिफ्टी पैसे का कॉइन तो दिस इज हेड और दिस इज टेल ऑफ दिस कॉइन विच कॉइन रिमेंस विदाउट अ मैच द टेन रुपी कॉइन रिमेन्स विदाउट अ मैच टेन रुपीज़ के कॉइन का कोई भी मैच नहीं है वो बिना मैच के ही रह गया है सो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है और आप लोगों को ई की वर्कबुक अच्छी राइटिंग से कंप्लीट करनी है और सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करने हैं ओके स्टूडेंट बाय बाय थैंक यू